बिग बॉस 12 का हिस्सा रही जसलीन मथारू शो में अपनी जर्नी से ज्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में रही। बिग बॉस के घर में अपने पिता के उम्र के शख्स अनूप जलोटा के साथ रिलेशनशिप को लेकर जसलीन ने खूब चर्चाएं बटोरी। हालांकि बाद में मालूम चला कि यह सब महज पब्लिसिटी स्टंट था। दूसरी तरफ बिग बॉस 12 में जसलीन का नाम शिवाशीष मिश्रा के साथ भी जोड़ा गया। हालांकि दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे, शो खत्म होने के बाद भी दोनों की दोस्ती बरकरार है। बिग बॉस के बाद जसलीन ने स्वयंवर शो मुझसे शादी करोगी में पार्टिसिपेट किया। शो में वे पारस छाबड़ा को इम्प्रेस कर उनकी दुल्हनिया बनने के लिए पहुंची थी। यहां भी जसलीन की जर्नी काफी चर्चा में रही। दरअसल जसलीन आई तो थी पारस छाबड़ा से स्वयंवर में शादी करने, मगर उनकी शो के कंटेस्टेंट मयूर वर्मा संग नजदीकियां बढ़ने लगी। ट्विस्ट तो तब आया जब जसलीन ने एक टास्क के दौरान पारस को छोड़कर मयूर को चुन लिया। इसके बाद पारस ने जसलीन से उनके मयूर के साथ रिश्ते पर सवाल खड़े किए। नतीजा ये हुआ कि पारस संग हुई बहसबाजी के बाद जसलीन और मयूर के रिश्ते बिगड़ने लगे। बाद में जसलीन शो से भी आउट हो गई। लेकिन अब फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर जसलीन का सच्चा प्यार कौन है और वो किससे शादी करेगी। जसलीन को फाइनली उनका सच्चा प्यार मिल गया है। जसलीन कॉस्मेटिक सर्जन अभिनीत गुप्ता से शादी करने वाली है। जी हाँ, खुद जसलीन ने इस बात की पुष्टि भी की है। जसलीन और अभिनीत की मुलाकात अनूप जलोटा ने ही करवाई थी। दरअसल अभिनीत के पिता अनूप जी के दोस्त हैं। जसलीन और अभिनीत की पहली मुलाकात भोपाल में हुई थी। जसलीन भोपाल में 15 दिन रही। वहां दोनों ने साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड किया। जसलीन ने भोपाल में अभिनीत के पेरेंट्स से भी मुलाकात की। दोनों ने वहां एक सैड सॉन्ग की शूटिंग भी की, जो जल्द ही यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा। जसलीन ने बताया कि अभिनीत बड़े कॉस्मेटिक सर्जन हैं। उनके भोपाल, इंदौर और पुणे में कई क्लिनिक भी हैं। जसलीन इस बात से काफ़ी खुश हैं कि अभिनीत काफ़ी सपोर्टिंग है। वे उन्हें और ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। वे चाहते हैं कि जसलीन और सफलता हासिल करे और एक्सप्लोर करे। जसलीन ने बताया कि अभी 2-3 साल तक शादी के बारे में नहीं सोचा जा रहा। दोनों अभी अपने करियर पर फोकस करेंगे। जसलीन अभिनीत को अपनी जिंदगी में पाकर बेहद खुश है। आती जाती हंसती गाती सोचा था मैंने मन में कई बार, वो पहली नजर हल्का सा असर करती है क्यों बेकरार। यही सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ शायद मैंने प्यार किया, अभिनीत तुमसे मैंने प्यार।